जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे परिवार समेत। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय को यदि आपने गुरुवार के दिन किया, कम से कम 3 गुरुवार आप इस उपाय को करें और रिजल्ट देखें। दोस्तों, आप जो सोचेंगे, आप जो कहेंगे, आप जो बोलेंगे, जिस चीज को सामने रख करके, जिस चीज को ध्येय बना करके आपने इस उपाय को किया होगा, भगवान की कृपा से आपका वो काम बहुत जल्दी पूरा होगा। वैसे दोस्तों, गुरुवार के दिन हमेशा कोशिश करें पीला रंग का कपड़ा पहने। यदि पूरे कपड़े आप पीले नहीं पहन सकते हैं, तो कोई एक आधा कपड़ा तो शरीर में हमेशा गुरुवार के दिन पीले रंग का रखे ही रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और आपके बृहस्पति, आपके गुरु मजबूत होते हैं, जिससे आपका, आप और आपका परिवार कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ता है, हमेशा उच्च विचारों के अधीन रहता है, उनकी सोच गहरी होती है, परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। तो एक पीला कपड़ा गुरुवार के दिन आप अवश्य ही पहने। गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक या केसर का तिलक अवश्य ही लगाएं। बड़े बुजुर्गों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आप पैर छुए ताकि उनके शुभ आशीर्वाद आपको मिले, ताकि जहां पर भी आपकी सर्विस है, आपके जो भी बॉस होंगे वो आपके ऊपर खुश रहेंगे। नौकरी में, धंधे में आपकी बरकत होगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी आपके अध्यापक हैं वे आपके ऊपर खुश रहेंगे, सदैव गुरु की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। हर गुरुवार को पीपल के पेड़ पर हल्दी वाला जल अवश्य ही चढ़ाएं। तुलसी माता का जो गमला है वहां पर संध्या समय एक घी का दीपक अवश्य ही लगाएं। ये बहुत छोटे छोटे से नियम है, यदि इनको आप हर गुरुवार फॉलो करते रहते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है। गुरुवार के दिन और कुछ करें या नहीं कर पाते हो तो जहाँ पर केले का पेड़ लगा हो, केले का पौधा हो, उसकी जड़ में चने की दाल चढ़ा करके एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाएं और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र को आप कम से कम 3 बार अवश्य ही बोलें। गुरुवार के दिन दोस्तों सुबह उठते के साथ जो भी व्यक्ति 3 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र को बोलता है, जिंदगी भर वो इज्जत की जिंदगी जीता है, मान सम्मान की जिंदगी जीता है, पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे निकलता है और बहुत ज्यादा उसे लाइफ में सक्सेस मिलती है। और ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उसमें आपको बेसन मिलाना है, मतलब कि आपको चने का आटा मिला लेना है और उसका आपको दीपक बनाना है। उस दीपक में आपको घी भरना है, घी में आपको हल्दी मिला लेनी है, घी में आपको हल्दी मिला लेनी है। सुबह या शाम दोनों में से कोई भी समय आप उस उपाय को कर सकते हैं। यदि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हल्दी वाला घी आपको दीपक में भरना है और ऐसे आपको 3 दीपक जलाने हैं। कितने? 3 दीपक आपको बना लेने हैं। तीनों दीपक आप रेडी कर ले और आप फिक्स करें दोनों में से कोई भी एक जगह, या तो आप अपने घर के पूजा स्थान में इस उपाय को कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तीनों दीपक आपको लाइन से रख देने हैं और तीनों ही दीपक में आपको पीली सरसों डालनी है। हल्दी, पीली सरसों, ये दोनों चीज घी में अवश्य ही, मतलब घी में आपको हल्दी मिला लेनी है, पीली सरसों आपको ऊपर से डालनी है। तीनों ही दीपक आपको लाइन से रख देने हैं, चाहे आप पीपल के पेड़ के नीचे करें या फिर आप अपने घर में पूजा स्थान में करें। इन दोनों के सिवाय दोस्तों, यदि आप इसको केले के पौधे के पास जाकर के करेंगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन केले का पौधा हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। पीपल के पेड़ भी यदि आपके घर के आसपास ना हो तो आप अपने घर में पूजा स्थान में करें, ठीक है। पीली सरसों डाल करके ये तीनों ही दीपक आप भगवान के सामने जला दें। उसके
उसके बाद में आप सिर्फ एक माला का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। माला आपको तुलसी की लेनी है। इस मंत्र का जाप कर लेने के बाद वो तीनों ही दीपक आपको प्लेट में रख करके उसी दीपक से आपको भगवान श्री हरि की आरती उतारनी है। तीनों दीपक से आपको भगवान श्री हरि की आरती उतार लेनी है और उसके बाद में जो भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा आपको बोलनी है। भगवान जी को आप प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, उसके बाद में उसमें से एक दीपक उठाएं और जहां आप जल रखते हैं, जहां आपका मटका है, वहां आप एक दीपक को रख दें। दीपक का मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें, ठीक है, और एक दीपक उठा करके आप अपनी तिजोरी के ऊपर रख दें। बस आप देखेंगे दोस्तों, आपके घर में धन धान्य भर जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर का पता पूछते हुए आएंगी। एक दीपक आप पूजा स्थान में ही जलने दें। यदि आप इस उपाय को पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं, केले के पौधे के पास करते हैं, तो भी आपको वहां एक ही दीपक जलता रहने देना है। बाकी के दोनों दीपक आपको अपने घर में ला करके, जहां मैंने बताया है, एक पनिहारे पर एक तिजोरी के ऊपर रख देना है। रास्ते में यदि दीपक बुझ जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, घर में ला करके उन्हें फिर से आप जला लें। लेकिन शुरुआत आपको एक ही जगह करनी है। सबसे पहले एक जगह बैठ करके ही आपको इस उपाय को करना है और मंत्र का जाप करना है। चाहे पीपल के पेड़ के नीचे करें, चाहे केले के पेड़ के नीचे करें, या अपने घर में पूजा स्थान में कर लें। 108 बार इस मंत्र को बोले और इस विधि को कम से कम, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, 3 गुरुवार तो अवश्य ही करें। 3 गुरुवार, 5 गुरुवार, उसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है, लेकिन आप इसको करके देखें। धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों, लाजवाब उपाय है करने के लायक। करके देखें, करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।